हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्र पर प्रश्न 9.3 के सवाल नंबर 11 से आज आपको हल करूंगा। दर्शक, मैंने आपको कल तक के वीडियो में हल करा दिए थे, आज हम सवाल नंबर 11 हल करना सीखेंगे। बच्चों, आज के 9.3 प्रश्नावली के सवाल नंबर 11 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें और आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। देखो बच्चों, हमारे सवाल में क्या दिया है, ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। देखो ए बी सी डी ई यहां से लेके हमारा क्या एक पंचभुज है, बी से होकर एसी के समांतर, इस बी से एसी के समांतर ही बी ए ब्रेक का खींचेंगे जो कि बढ़ाई गई डीसी को, इस डीसी को आगे बढ़ाएंगे तो एफ पर मिलती है, यानी इस बी बिंदु से बी एफ इस एसी के समांतर रेखा खींचेंगे, डीसी को आगे बढ़ाएंगे तो कहां मिल जाएगी, ये एक पर मिलती है। अर्थात इसमें क्या हो गया हमारे पास में, हमारे पास में हो गया बच्चों एसी समांतर बीएफ, राइट। इसका मतलब एसी समांतर क्या हो गया, बीएफ दे रखा है। सिद्ध हमें करने से दो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ एसी बी इक्वल एरिया ऑफ एसी ए, यानी एसी बी त्रिभुज और एसी ए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बराबर लाना है। एसी बी देखो हमारे चित्र में कहां है, ए सी बी ये रहा और एसी एफ ए सी एफ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्र पर हमको समान लाना है पहले में। दूसरे में एरिया ऑफ ए डी एफ, ए डी एफ इतना ही है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर लाना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी इसके बराबर, इसका किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो नंबर एक देखो, पहले आप हमें एसी बी और एसी एफ का क्षेत्र में समान लाना है। तो देखो बच्चों, यहां पे एसी बी, ए सी बी आधार कौन सा, एसी, इस एसी बी का आधार कौन सा, एसी, और एसी एफ ए सी एफ ये रहा, इसका आधार भी कौन सा, एसी, तो ए सी बी का आधार भी एसी है और ए सी एफ का आधार भी कौन सा है, एसी, और आधार के समूह जो बुझाई बी एफ, ये बी एफ एसी के समांतर है। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए सी एफ एक ही आधार, कौन सा एक ही आधार, एसी, एक ही आधार एसी तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी, एसी और बीएफ, एसी व बीएफ के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। और आपको बता रखा है कि जब भी दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो दोनों क्षेत्र पर में समान होते हैं बच्चों, इसलिए एरिया ऑफ ए सी एफ या एसी बी बराबर एरिया ऑफ एसी एफ,
ये बच्चों पहला तो हमको प्राप्त हो गया इति सिद्धम। ये पहले तो प्रूव हो गया एरिया ऑफ एसी बी इक्वल एरिया ऑफ एसी ए, यानी दोनों एसी बी और एसी ए का त्रिभुज का क्षेत्र हमने प्राप्त कर लिया नियम के अनुसार। अब हमें क्या लाना बच्चों, ए ई डी ए, देखो यार ए ई डी ए इतना बड़ा इतना बड़ा। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, ये एसीएफ ध्यान देना, एसीएफ 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 तो आ गया, यानी यहां से लेके यहां तक ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक गया एसीएफ। और लाना है क्या हमको, हमें लाना है एईडीएफ, एईडीएफ यहां से लेके कितना, तो ये हिस्सा बस ये हिस्सा दोनों जोड़ दीजिए आप दोनों समीकरण में। इस समीकरण देखो आप, समीकरण एक में दोनों और एरिया ऑफ कौन सा ये ए ई डी सी ठीक है, या ए सी डी ए सी डी ई जोड़ने पर, जोड़ दीजिए आप तो एरिया ऑफ एसी बी प्लस एरिया ऑफ एसी बीई बराबर एरिया ऑफ एसी ए प्लस एरिया ऑफ एसी डीई। देखो बच्चों एसी बी ये रहा, इसमें हमने एसी डी जोड़ दिया, एसी एफ ये रहा और एसी एफ में हमने एसी डी जोड़ दिया, तो दोनों हमने क्या जोड़ दिया, ये एसी डी जो एरिया है ये हमने बच्चों जोड़ दिया, ध्यान देना। इसलिए बच्चों देखो आप एसी बी में जोड़ दिया एसी डी, एसी बी कहां है ध्यान देना, एसी बी ये रहा यहां से लेके यहां तक यही तो है, इसलिए हमने ए सी डी ही जोड़ दिया, यानी यहां से लेके ये हिस्सा हमने इस त्रिभुज में जोड़ दिया, तो ये पूरा हिस्सा यहां से लेके इतना बड़ा हो गया, ये हिस्सा क्या बन गया, ये ए बी सी डी ई बन गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई बन गया। अब देखो बच्चों इधर एरिया ऑफ ए सी एफ, ए सी एफ ये है यहां से लेके यहां तक, इसमें हमने ये एरिया जोड़ दिया ए सी डी ई ये, तो ये पूरा बन जाएगा यहां से लेके इतना बड़ा, ये पूरा क्या बन जाएगा ए ई डी एफ, यहां से लेके पूरा बन जाएगा ये ए सी एफ में जोड़ दिया ए सी डी ई, तो बन जाएगा एरिया ऑफ ए ई डी एफ। और देखो बच्चों हमको क्या प्रूफ करना था सेकंड में, आप ध्यान देना, ये हमारा पहला पूरा हो गया, ये हमारा सेकंड चालू हो गया, एरिया ऑफ एईडीएफ बराबर लाना था एरिया ऑफ एबीसीडीई, तो देखो एरिया ऑफ एईडीएफ ये रहा एरिया ऑफ एईडीएफ आ गया, एरिया ऑफ एबीसीडीई ये रहा, तो ये दोनों क्या आ रहे थे बराबर, और ये दोनों बराबर आ गए। अब हमारे सवाल इधर एईडीएफ लिखा है तो आप इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इतने भी छोड़ सकते हो क्योंकि दोनों बराबर आ गए, देखो एबीसीडी ये रहा एईडीएफ ये रहा, तो दोनों का क्षेत्र क्या क्या बराबर हो गया, आप इतने छोड़ सकते हो, और आप ऐसा वैसा लाना चाहो तो ये इधर ही दीजिए और इसको इधर ही दीजिए, तो एरिया ऑफ एईडीएफ बराबर एरिया ऑफ एबीसीडीई। बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये सवाल बड़े ही सरल तरीके में मैंने आपको समझाया है, हमने दोनों सवाल इसके सिद्ध कर दिए। अब आप इसका बड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके बाद अगला सवाल नंबर सवाल में 12 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, रोचक प्रश्न है, जरा ध्यान देना। इतवारी के पास
इतवार नाम है किसी का, इतवार मीन्स रविवार नहीं है, इतवार नाम है किसी का। इतवाई के पास चतुर्भुजाकार भूखंड था। अब मान लो उसके पास ए बी सी डी ये चतुर्भुजाकार एक भूखंड था, ठीक है, इसके चार कोने हो गए, एक दो तीन चार कोने हो गए। अब ग्राम पंचायत उससे किसी भी एक कोने से थोड़ा सा उसके भूखंड का भाग लेना चाहती है और वहां एक अस्पताल का निर्माण करना चाहती है। इतवारी राजी भी हो गया, वो मान भी गया कि मेरे भूखंड के किसी भी एक कोने से मैं आपको थोड़ा सा भूखंड का टुकड़ा दे दूंगा। तो देखो उसने ग्राम पंचायत को भूखंड के एक कोने से कुछ भाग इस शर्त के साथ दिया, वो भूखंड का कुछ भाग देने के लिए तैयार तो हो गया लेकिन उसने शर्त रख दी। क्या शर्त? कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न यानी उसके पास में जुड़ा हुआ एक भाग ऐसा दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। अब आप इसको किस प्रकार समझाओगे ये हमको देखना है। तो देखो बच्चों ये बड़ा ही एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम लिखेंगे एबीसीडी, इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। तो लिखेंगे देखो माना इतवारी के पास ए बी सी डी एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। ये एबीसीडी ए बी सी डी एक चतुर्भुजाकार क्या हमारे पास में उसके पास में भूखंड है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेगा इस डी से बीई एसी के समांतर खींची जाएगी। हम क्या करेंगे डी से डीई समांतर ऐसी रेखा खींची गई है। देखो बच्चों इस डी के वो इस कोने में यहां से इस भूखंड के इस कोने से वो यहां से टुकड़ा देगा उसको, इस कोने में से भूखंड का टुकड़ा देगा पंचायत को। तो इसी के इसी से संलग्न उसे थोड़ा टुकड़ा और चाहिए जिससे उसका जो भूखंड वो त्रिभुजाकार बन जाए। तो यहां से वो पंचायत को देगा कुछ हिस्सा और यहीं से वो ले लेगा वापस, इधर वाला दे दिया इधर वाला ले लिया। तो क्या हुआ डी से डी समांतर ऐसी रेखा खींची गई है, डी से डी ऐसी समांतर रेखा खींची गई है जो कि ध्यान देना इस बीए को बीए रेखा ना रही जो कि बीए रेखा को इस बीए रेखा को आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलती है। राइट डी से डीई एसी के समांतर रेखा खींचेंगे तो इस बीए को आगे बढ़ाने पर कहां मिल जाएगी इस ई पर मिल जाएगी। अब देखो बच्चे यहां पे इसलिए जैसे हम इस डी को डी समांतर एसी खींची हमने तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। ध्यान देना एक तो बन गया ए सी डी यहां से लेके ये ए सी डी इस त्रिभुज का आधार कौन सा है सी, ठीक है। एक बन गया ए सी ई ए सी ये त्रिभुज तो ए सी ई त्रिभुज का आधार भी ऐसी है और ए सी डी ये त्रिभुज इसका आधार भी ऐसी है और आधार एसी के सम्मुख समांतर भुजा कौन सी है डी। इस आधार एसी के सम्मुख समांतर भुजा कौन सी है डी। तो क्या हुआ हमको लिखना पड़ेगा इसलिए ध्यान देना चूंकि लिख दो आप त्रिभुज एसीडी तथा त्रिभुज एसीई
एक ही आधार, कौन सा आधार? एसी, तथा एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी? एसी और डी, एसी व डी के मध्य स्थित है। बच्चों एसी डी त्रिभुज और एसी त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। और आपको बता रखा है कि जब भी दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, अर्थात दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां को क्या परिणाम प्राप्त होगा? त्रिभुज एसीबी, त्रिभुज एसीई दोनों का क्षेत्रफल बराबर प्राप्त होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसलिए एरिया ऑफ एसीडी इक्वल एरिया ऑफ एसी, ये हमको समीकरण नंबर एक प्राप्त हो गई, राइट। ये दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? यहां पे हमको समान प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज एसीडी तथा त्रिभुज एसीई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अब देखो बच्चों, इतना आपके समझ में आ गया इत्वर के पास किस प्रकार का चतुर्भुजाकार भूखंड था? एबीसीडी एक चतुर्भुजाकार भूखंड था, ए बी सी डी। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे वापस, चूंकि इतवारी के चतुर्भुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या था? ध्यान देना बच्चों, ए बी सी डी ये तो था, उसके बाद चतुर्भुज के आकार का, तो क्षेत्र क्या हो गया? एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एक बार के पास चतुर्भुज के आकार का भूखंड का क्षेत्रफल था एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब ये दो भागों बढ़ गया, ये विकर्ण खींच दिया, तो एक तो एबीसी हो गया यहां से लेके यहां तक, एक एसीडी हो गया यहां से लेके यहां तक। तो हम क्या लिखेंगे आगे? इस एबीसीडी दो भागों बढ़ गया, एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी, ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई? दो हो गई। अब देखो बच्चों, सभी एक और दो की तुलना करेंगे। समीकरण एक व दो से देखो, एक में लिखा है एसीडी और एसीई का क्षेत्रफल बराबर है, और दो में क्या? एबीसी प्लस एसीडी का क्षेत्रफल एबीसीडी के बराबर है। अब इन चारों में देखो क्या है, यहां भी एसीडी आ गया, यहां भी एसीडी आ गया। ये एसीडी किसके बराबर है? एसीई के। तो एसीडी की जगह में क्या लिख दूंगा? एसीई लिख दूंगा। तो एक और दो से क्या बन जाएगा? ये एरिया ऑफ, एक और दो से बन जाएगा एरिया ऑफ एबीसीडी। लिख तो है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर था, तो ये एरिया ऑफ एबीसी वैसा का वैसा प्लस एसीडी की जगह दूंगा एसीई, एरिया ऑफ एसी ए सी ई, राइट। तो देखो हमने एसीडी की जगह रख दिया एसीई रख दिया।
अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे एरिया ऑफ एबीसी आया गया और एरिया ऑफ एसीडी की जगह हमने क्या रख दिया, एसीई। क्यों? क्योंकि एसीडी का मान किसके बराबर है, एसीई के बराबर है, समीर एक से। तो इस एसीडी का मान एसीई था और हमने यहां पे इस एसीडी की जगह रख दिया एसी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, एबीसी कहां है, ए बी सी, इसमें क्या जोड़ेंगे, एसीई, ए सी, ये टुकड़ा यहां से लेके ये टुकड़ा हम जोड़ेंगे, ये पूरा क्या बन जाएगा, देखो ए बी सी ये रहा और ये ए सी ए, तो पूरा क्या बन जाएगा, ई बी सी बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा एरिया ऑफ ई बी सी। इस प्रकार क्या बन जाएगा, हमको हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई बी सी। तो बच्चों ये इसका आंसर आएगा, इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान देना, उसका जो चतुर्भुज के आकार में एबीसीडी था उसका ये हिस्सा टूट गया, यानी ये हिस्सा तो उसने किसको दे दिया, पंचायत को दे दिया, पंचायत को। उसके बदले में क्या हुआ कि देखो ये पंचायत यहां से ले लेगी और पूरा हिस्सा उसका ये हो जाएगा, यहां से लेके ये हिस्सा बच जाएगा त्रिभुज के आकार का, ये टुकड़ा उसको दे देगा तो ये टुकड़ा वो ले लेगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये टुकड़ा यहां से लेके एबीसी बन जाएगा, दूसरे त्रिभुज के आकार का बन जाएगा। उसका भूखंड कैसा था, चतुर्भुज के आकार का था एबीसीडी का, और जैसे टुकड़ा उसने एक कोने में से पंचायत को दे दिया और उसने उसके संलग्न दूसरा हिस्सा ले लिया, तो यहां पे उसके पास किस प्रकार का भूखंड बच जाएगा, त्रिभुज के आकार का। इस प्रकार त्रिभुजाकार भूखंड एबीसी उसे प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना। तो मैं आशा कर सकता हूं आज बताएंगे आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आए होंगे बच्चों, और आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में नियमित रूप से उतारा करें, इन सवालों के नियमित रूप से आप प्रैक्टिस करें, और अपने जो आपके साथी हैं उनको समय समय पर फोन से कांटेक्ट करें और पता करें कि कोई आपका साथी यदि नियमित रूप से ये वीडियो नहीं देख रहा है तो उस वीडियो देखने के लिए मोटिवेट करें। बाकी आगे के सवाल मैं आपको कल नए वीडियो में सिखाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।